नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपर फास्ट में आपका स्वागत है। तो सोने चांदी की तेज रफ्तार है, कमोडिटी में बाहर है और आज फिर से गोल्ड ने 52,846 रुपए की नई ऊंचाई को छुआ है। जबरदस्त तेजी के साथ गोल्ड की कीमतों में लगातार ट्रेड हो रहा है और फिलहाल नई ऊंचाई को छूने के बाद थोड़ा सा मार्केट नीचे आया है और 52,700 के आसपास ट्रेड हो रहा है। चांदी का भाव अगर हम यहां पर देखें तो 65,500 रुपए प्रति किलो के ऊपर ट्रेड कर रहा है और यहां पर करीब 600 रुपए की मजबूती है। एक महीने में आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि एक महीने में चांदी ने कितना रिटर्न दिया है। जी हां, सिर्फ एक महीने में चांदी में 35% का रिटर्न मिला है। यानी अगर आज से ठीक एक महीने पहले आपने 29 जून को अगर चांदी में पैसा लगाया होता और आपने 1,00,000 रुपए की चांदी अगर आपने खरीदी होती तो अभी उसका भाव 1,35,000 रुपए हो गया होता। तो अंदाजा लगाइए कितनी तूफानी रफ्तार से चांदी का मार्केट आगे जा रहा है, जबरदस्त तेजी है। इसके अलावा क्रूड मार्केट को देखें तो अब क्रूड मार्केट में थोड़ी बहुत हलचल लौटने लगी है लंबी सुस्ती के बाद और ब्रेंट क्रूड का भाव इस वक्त $44 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और WTI क्रूड का भाव $41.5 के करीब ट्रेड कर रहा है। MCX पर कच्चा तेल 3100 रुपए के ऊपर है और API की यह रिपोर्ट आई है कि पिछले हफ्ते अमेरिका में क्रूड का स्टॉक 41,00,000 बैरल घटा है, 68,00,000 बैरल घटा है। उसका इंपैक्ट भी हम प्राइस के ऊपर देख रहे हैं। इसके अलावा ग्वारगम में भी लगातार तेजी है। एक दिन बीच में मार्केट में कल प्रॉफिट बुकिंग आई थी लेकिन आज फिर से मार्केट ने तेजी का रुख कर लिया है। ग्वारगम और ग्वार सीड दोनों का जो वायदा है वो ऊपर ट्रेड कर रहा है, करीब 1.5% की मजबूती है। महीने भर में 17% तक दाम ग्वार के बढ़ चुके हैं। इसके अलावा तेल और तिलहन का वायदा भी तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। सोया तेल वायदा 855 के ऊपर है, सरसों का वायदा 4925 के करीब ट्रेड कर रहा है, सोयाबीन का वायदा 3375 के करीब है। तो ये पांच खबरें हैं इस वक्त की कमोडिटी मार्केट की जहां पर बड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा है। तो सवाल ये है कि एक्शन के इस मार्केट में आपको ट्रेड कहां करना है, तो ये बताने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं अमित सजेजा मोतीलाल ओसवाल के। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल आपसे गोल्ड के ऊपर होगा, क्या गोल्ड में आज शाम के कारोबार के लिए खरीदना चाहिए, बाई करना चाहिए गोल्ड? जी नमस्कार मृत्युंजय जी। देखिए, गोइंग विद द ट्रेंड, हमेशा ट्रेंड के साथ चलना बेटर रहता है। हालांकि हमने हाईएस्ट लेवल ऑफ द डे से देखा है कि 200 रुपए लगभग उतार दी है प्राइस, लेकिन यहाँ पर जब तक 52,450 का जो एक स्तर है अक्टूबर वायदा में, जब तक वो होल्ड कर पा रहा है तब तक तेजी में रहना प्रेफर करूंगा। अपसाइड में हो सकता है कि एक और लेग पेंडिंग हो शाम के सेशन में, जहां पर प्राइसेस 53,200 तक भी जा सकते हैं, यानी 53,200 का एक न्यू ऑल टाइम हाई बन जाए। और उसके बाद हो सकता है बिफोर FOMC मीटिंग, क्योंकि FOMC फेड की बैठक है ओवरनाइट में, तो उसके पहले हो सकता है मुनाफा वसूली दिखे। लेकिन शाम के सेशन तक के लिए तेजी में रहना पसंद करूंगा, गोल्ड हो या सिल्वर हो दोनों में। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि शाम के सेशन तक के लिए आप तेजी में हैं, 53,200 का टारगेट, 52,400 का स्टॉप लॉस और 52,650 ये लेवल आपके लिए बाइंग का लेवल होगा। सिल्वर में क्या करना चाहिए? चांदी में भी आपकी आपने कहा कि बाई करके चलें, तो क्या टारगेट होगा, क्या स्टॉप लॉस होगा, किस लेवल पर एंट्री लें? जी देखिए, जब तक 64,500 का स्तर होल्ड कर रही है चांदी इंट्राडे टर्म्स में, तब तक बाइंग करने में दिक्कत नहीं है। अपसाइड में हो सकता है कि जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है 66,300 से 400 जोन में, वो रीटेस्ट हो जाए शाम के सेशन में, तो इस टारगेट के लिए मैं बाइंग करने की सलाह दूंगा 65,200 के आसपास, यानी करंट मार्केट से लगभग 100 रुपए नीचे। और 64,600 से 500 एरिया में डेफिनेटली एक स्टॉप लगाना चाहिए। एक डिस्क्लेमर डेफिनेटली दूंगा कि गोल्ड और सिल्वर दोनों काफ़ी एलिवेटेड यानी काफ़ी ऊंचे लेवल पे हैं, तो जो भी ट्रेड करें तेजी में करें, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि जब इसमें मुनाफा वसूली का दौर आएगा तो कल जैसे हमने एक शार्प करेक्शन देखी थी वैसा आ सकता है। हालांकि अभी वैसा सिचुएशन नहीं है, लेकिन स्टॉप लॉस बराबर लगाएं, क्योंकि जब वो लेवल शिफ्ट होता है, निकल जाता है, तो बहुत ही तेज गिरावट आ जाती है। ठीक है, क्रूड में क्या किया जाए, क्रूड में आपको क्या लगता है आज बेचकर चलना ठीक है?
जी देखिए, जैसे आपने बताया था कि हलचल नहीं है फिलहाल, भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी समय से 3,150 से लेके डाउन साइड में 2,980, 2,950 ये एक रेंज हो गई है। हालांकि लॉन्गर टर्म क्रूड बहुत मंदी नहीं दिखती, बट इंट्राडे में मुझे लगता है कि जब तक 3,150 का स्तर नहीं निकल पा रहा है, तब तक एक इंट्राडे प्रॉफिट बुकिंग या करेक्शन हमें डेटा के पहले ज़रूर देखने मिल सकती है। तो मैं 3,120 पे सेलिंग की सलाह दूंगा, 3,160 के छोटे से स्टॉप के साथ, और 3,050 का एक टारगेट लेके चला जा सकता। ठीक है, कॉपर का मार्केट अमित जी आपको कैसा लग रहा है? क्या कॉपर में भी अभी बाई करके चलना ठीक है, खरीदना चाहिए कॉपर? जी देखिए, जिस तरह से यूरो परफॉर्म कर रहा है या डॉलर इंटरनेशनली अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो मुझे लगता है कि कमोडिटीज में इन जनरल अगले 6 से 8 महीनों के लिए एक सेक्युलर बुल ट्रेंड है, जिसमें गोल्ड सिल्वर आउट परफॉर्म करेंगे और बेस मेटल्स भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि कॉपर में अभी भी काफ़ी एक अच्छी रिकवरी कल हमने देखने मिली, 503 से आज 509 के करीब है। तो 508.50 ये स्तर के आसपास बाइंग कर सकते हैं, 506.50 का स्टॉप लेकर, और रीसेंट हाई यानी 512 के करीब के हाई जो हैं वो रिटेस्ट होते हुए दिखते हैं। ठीक है, तो ये राय आपकी कॉपर में, आप कह रहे हैं 512 तक भाव जा सकता है। निकेल में भी बाइंग करें अमित जी? जी निकल में भी बाइंग की सलाह होगी, जो इसका एक टेक्निकल सेटअप है अच्छा है, और फंडामेंटली जैसे मैंने बताया कि जो भी कमोडिटीज हैं इन जनरल बुल मार्केट में है, 1,035 एक इमीडिएट सपोर्ट है, वहाँ पर इनिशिएट की जा सकती है। 1,025 यानी 10 रुपये का एक स्टॉप होगा, और इमीडिएटली 1,050 इंट्राडे में एक अचीवेबल टारगेट लग रहा है, तो 1,050 के लक्ष्य से बाय किया जा सकता है। ठीक है, तो ये पांच कॉल जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं। फटाफट आपके सवाल अब हम ले रहे हैं। गोपाल का पहला सवाल है, राजस्थान से जुड़ रहे हैं, पूछिए गोपाल जी। जी सर नमस्कार। सर जी आज में बुआर पड़ा है, तो आप बता रहे नमस्कार, हैं मांग पूछिए। पड़ी है तो 5,000 हो जाएगा महीने भर में? क्या लगता है अमित जी आपको, 5,000 हो जाएगा महीने भर में ग्वार का भाव? जी देखिए, नो डाउट ग्वार के फंडामेंटल स्ट्रांग है और फिलहाल तेजी में आ चुका है बाजार। मुझे लगता है कि 5,000 नहीं, लेकिन हाँ 4,400 से 4,500 के लेवल्स यानी लगभग करंट मार्केट से भी ऑलमोस्ट 12 से 13% की तेजी दिख सकती है 1 महीने के टाइम पीरियड में। तो 5,000 नहीं, बट 4,500 के करीब प्राइसेस डेफिनेटली जा सकते। ठीक है, तो आपको लगता है 4,500 तक भाव जा सकता है। अगला सवाल धर्मचंद का है, राजस्थान से ही है, पूछिए सर। सर सरसों कब तक तेज होगी, 5,000 कब तक हो जाएगी? हेलो सर। सरसों में कब तेजी आएगी अमित जी? देखिए सरसों में मेरे ख्याल से तेजी तो बनी हुई है, हमने इसको एक एक दायरे में कारोबार हो रहा था काफी समय से, 4,800 और 4,600 के बीच, और इसका पिछला ट्रेंड भी अगर हम देखें तो पॉजिटिव है। तो मुझे लगता नहीं है कि ये रुकने वाली है। प्राइसेस जो है 4,800 का भी बेस हो चुका है, और बहुत ही जल्द यानी हो सकता है कि 1 सप्ताह के अंदर भी हमें 5,020 से 5,030 यानी 100 रुपये ऊपर के लक्ष्य यहाँ से देखने मिल जाए। ठीक है, तो 100 रुपए ऊपर का लक्ष्य आप कह रहे हैं कि यहां से देखने को मिल सकता है। सोयाबीन पर आपका व्यू अमित जी, सोयाबीन में आपको क्या लग रहा है आगे? देखिए मुझे लगता है कि एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में फिलहाल जो तेजी है वो रिफाइंड सोया ऑयल और मस्टर्ड में थोड़ी बहुत ज्यादा देखने मिलेगी। सोयाबीन लंबी अवधि के लिए अगर आप देखें यानी 2 से 3 महीनों का लक्ष्य देखें, तो मुझे तेज दिख रहा है डेफिनेटली। इनफैक्ट 4,400 से 4,500 लगभग 4,500 के इसमें भी लक्ष्य आ रहे हैं फिलहाल, लेकिन जो एक इमीडिएट टारगेट है वो लगभग 3,850 यानी करंट मार्केट से लगभग 70 से 80 रुपये ऊपर का दिख रहा है। तो तेजी है, लेकिन फिलहाल उतनी ज्यादा तेजी नहीं है जितनी हमें मस्टर्ड या रिफाइंड सोया में दिख रही है। ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप अमित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी मार्केट में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही,